बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस पे। पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरक्लोसिस की थर्ड टाइप है, यानी कि यह टीबी की एक तीसरी और ख़तरनाक किस्म है। ट्यूबरक्लोसिस में जितने भी मॉर्बिडिटी और मॉर्टलिटी के केसेस आते हैं, तो सबसे ज़्यादा केसेस इस डिज़ीज़ की वजह से आते हैं, यानी कि इसमें मॉर्टलिटी भी चांसेस ज़्यादा हैं और मॉर्बिडिटी की चांसेस भी ज़्यादा हैं। मॉर्बिडिटी डैमेज ऑफ टिश्यूज़, बॉडी के टिश्यूज़ में डैमेज हो जाते हैं। मॉर्टलिटी मतलब बॉडी डेथ हो जाती है, शरह अमवात जिसे कहते हैं। तो इस डिज़ीज़ की वजह से शरह अमवात भी इसमें ज़्यादा है और मॉर्बिडिटी भी ज़्यादा है। बाकी जो टू टाइप्स हैं, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस है या मलेरिया ट्यूबरक्लोसिस है, तो उसमें इतना मॉर्बिडिटी और मॉर्टलिटी नहीं होती। ये डिज़ीज़ यानी पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस जो है, ये लंग्स के अपर लोब को अफेक्ट करती है, यानी कि ये बीमारी उधर पाई जाती है। ये एक लंग को भी अफेक्ट कर सकती है और दोनों साइड के अपर लोब को भी अफेक्ट कर सकती है, यानी कि लेफ्ट एंड राइट जो लंग्स हैं उसके अपर लोब को अफेक्ट कर सकती है। ऑनसेट ऑफ डिजीज़ जो है यूजुअली इंसिडियस होती है, यानी कि ये कफ, स्पूटम और फीवर के साथ साथ चली जाती है। लोगों का ख्याल होता है कि ये आम कफ है, लेकिन ये इस तरह होता नहीं, ये डिजीज़ में छुपी होती है। सम टाइम जो है हेमोप्टेसिस और प्लूरल पेन ऑनसेट ऑफ डिजीज़ को शो करता है। ऑनसेट ऑफ डिजीज़ जो है यूजुअली इंसिडियस होता है, यानी कि कफ, स्पूटम और फ्यूर के साथ साथ ये डिज़ीज़ चली जाती है। लोगों का ख्याल होता है कि ये आम कफ है, लेकिन इस तरह होता नहीं है, कफ के साथ साथ ये डिज़ीज़ छुपी होती है। सम टाइम्स इसमें हेमोप्टेसिस और प्लूरल पेन जो है मार्क करता है ऑनसेट ऑफ डिजीज़। ऑनसेट ऑफ डिजीज़ यूजुअली इंसिडियस होती है, यानी कि कफ, स्पूटम और फ्यूर के साथ साथ ये डिज़ीज़ चली जाती है। लोगों का ख्याल होता है कि ये नॉर्मल है, लेकिन ये बात नॉर्मल नहीं होती, यह डिजीज़ में छुपी होती है। सम टाइम्स जो है हेमोप्टेसिस और प्लूरल पेन मार्क करता है ऑनसेट ऑफ डिजीज़ को। साइंस सिम्टम्स की बात करें तो ऑनसेट ऑफ डिजीज़ जो है इंसिडियस होती है। पेशेंट को चेस्ट में पेन फील होगी, इनिशियल में ड्राई कफ होती है, बाद में जाके मोइस्ट और लास्ट में जाके प्रोडक्टिव कफ यानी स्पूटम भी आता है। और जब स्पूटम के साथ ब्लड आना शुरू हो जाए तो इसे हेमोप्टेसिस कहते हैं। हेमोप्टेसिस मसल वेस्टिंग जो है वो शुरू हो जाती है, बॉडी में काफ़ी हद तक वीकनेस आ जाती है। इस पेशेंट को भूख नहीं लगती, यानी लॉस ऑफ एपिटाइट जिसे एनोरेक्सिया कहते हैं। समटाइम इस पेशेंट को डिस्निया का प्रॉब्लम भी आ सकता है, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी आ सकती है। अगर चेस्ट एक्सरे देखें तो इसमें प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ आपको शो होगी। ये ऑल अबाउट था ट्यूबरक्लोसिस और इसके टाइप्स के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।